गुड मॉर्निंग, ओम साई राम जी। कैसे हो आप सब लोग? सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो तैयार हो गए, नहा धो के रेडी हो गए। टाइम हो गया है 7:45। 8:15 बोला है एयरफोर्स वालों ने कि 8:15 या सॉरी 8:30 तक आप आ जाइए एयरफोर्स गेट पे। पासिस वगैरह उन्होंने बना दिए हैं हमारे, बस वहाँ से मेन गेट से, मेन गार्ड रूम से नवीन है, और मेन गार्ड रूम से कलेक्ट करना है पास। और हमारे साथ कोई एयरफोर्स का सिपाही जाएगा, वो पूरा सर्वे करवाएगा हमें जिधर इधर काम होना है। तो आज सर्वे करते हैं और रेडी हैं सब, बस नाश्ता करते हैं नीचे चल के और फिर निकलते हैं एयरफोर्स गेट पे। फ़ोन हमारे जमा हो जाएंगे, काम है। तो अभी बाहर का व्यू दिखाता हूँ, होटल के बाहर का व्यू। होटल की अपनी गाड़ी खड़ी है नीचे। हमने भी इन्हीं में एक फ्लैट कल देखा किराए के लिए, क्योंकि हमारी टीम रहेगी, इंजीनियर्स रहेंगे, तो हमारे को रूम रेंट के लिए एक रूम चाहिए होगा। तो ये वाला रूम जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो रूम है, ये वाले दो रूम, इसमें हमने कल देखा 2 BHK, अच्छा रूम है। और बात करें कुछ 5000 रुपीज़ ले रहे हैं, एक महीने की सिक्योरिटी, एक महीने का एडवांस, और कुछ जो अपन को बीच में इंट्रोड्यूस करवाया था एजेंट, वो अपनी कमीशन लेगा। ले लेते हैं, ज़्यादा ढूंढेंगे, क्योंकि हम 2 महीने या 3 महीने के लिए रूम चाहिए, कोई देगा नहीं। तो इसके हिसाब से ठीक है, अलग रूम पास के पास है, 2 किलोमीटर यहाँ से एयरपोर्ट है, तो कुछ कन्वेंस वगैरह तो लेंगे ही हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से अपन आराम से जा सकते हैं, 5 मिनट में यहाँ से एयरफोर्स पहुँच जाएंगे। निकलते हैं। ये छोटा सा फ्रिज दे रखा है हमारे को, लेकिन ये चालू था फ्रिज अपन को, चालू था। तो निकलते हैं यहाँ से, नाश्ता करते हैं नीचे। और ये अपने कुछ क्या है, ये वॉकी टॉकी है हमारी टीम के लिए, हम वॉकी टॉकी रखते हैं। एक सेट हो रहा, एक सेट ये रहा, तो बात करने के लिए इसकी 5 किलोमीटर की रेंज है वॉकी टॉकी की। वो मोबाइल पे बात नहीं हो पाती, तो हम लोग क्या करते हैं, वॉकी टॉकी पूरी टीम को दे देते हैं। हमारे पास कुछ 8-10 वॉकी टॉकी हैं। अब निकलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर मोबाइल जमा कर देंगे, क्योंकि मोबाइल अंदर नहीं जाने देंगे। नाश्ता वाश्ता हो गया है, एक एयरफोर्स का गेट ये वाला है, अपन आगे वाले गेट पर जाएंगे जो मेन गेट है उस पर अपन। सो अभी हम निकल गए एयरफोर्स से, टाइम हुआ है 1 बज गया पूरा, 1 बजे हम लोग निकल गए। हमारे पास बनवाने में थोड़ा टाइम लग गया था। एक यहाँ से कल हमें कच्छ जाना है, तो सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे कच्छ। वो छोटा सा एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे सुबह, इन्हीं का छोटा सा है, तो वहाँ पे भी कुछ काम होना है। तो सुबह 8 बजे निकलेंगे कच्छ के लिए, एयरफोर्स के लोग जाएंगे हमारे साथ में। एंड अब यहाँ से निकलते हैं होटल। हाँ नवीन, होटल चले, क्योंकि लंच नहीं करा अभी हमने, नाश्ता करके निकले थे, तो लंच भी कर लेते हैं। और यहाँ पर फ्लाइंग हो रही है, मैं एयरफोर्स में मोबाइल अलाउ नहीं था, और अब निकलते हैं अपना होटल के लिए। ये यहाँ पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे हमने लेबर से बात करी है, ये लेबर जो काम कर रही है, अंकल जी हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनसे हमने बात करी है, वो लेबर हमें दे रहे हैं। ये एयरफोर्स स्टेशन के ही कुछ एडमिन ऑफिस है, एडमिन वगैरह। तो निकलते हैं फिर होटल के लिए। ये भुज सिटी है, बहुत अजीब सी मेरे को लग रही है, बिल्कुल चहल पहल सी नहीं लग रही यहाँ पर। या तो हम लग रहा है बाहर वाले एरिया में हैं, मुझे लग रहा है कि हम बाहर वाले एरिया में, कोई मॉल नहीं है, कुछ नहीं है नवीन, बाहर थोड़ा सा हम लग रहा है, क्योंकि एयरफोर्स वैसे भी बाहर के एरिया में ही होता है, फ्लाइट का मामला है ना, सारी देख बिल्डिंगें भी ऊंची नहीं है यहाँ पे, नहीं 2 फ्लोर तो है, 3rd फ्लोर नहीं है किसी का भी। ये फ्लाइंग के चक्कर में है, क्योंकि एक्चुअली पाकिस्तान बॉर्डर पास में ही है यहाँ से, कल हम जाएंगे पाकिस्तान बॉर्डर, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही जाएंगे, कच्छ जो कच्छ का एरिया बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर ही है। तो कल उधर जाएंगे हम लोग, दिखाएंगे कच्छ वाला एरिया जिधर लोग घूमने आते हैं। पूरा रेगिस्तान है नवीन वहाँ पे, पूरा मट्टी, पूरा रेगिस्तान, पूरा रेगिस्तान है, तो पूरे रेगिस्तान है वो। तो अभी आ गए हम लोग सोडा वाला, कल यहीं सोडा पिया था हमने अंकल के पास में। कौन सा चौराया है ये, चौराहे का नाम नहीं पता। ओ यार कल मिल्क शेक पिया था, बड़ा अच्छा मिल्क शेक था यार, बोलो अभी नहीं दुकान लगी होगी। आ गए हम लोग मस्ती मस्ती मस्ती, क्या नाम बताया था अंकल आपने, मस्ती मस्ताना। ये कौन सा एरिया अंकल, है भीड़ गेट, भीड़ गेट, भीड़ 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 गेट के पास में है भुज में। वाह अंकल जी, मज़ा आ गया, कल भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। ये फ्रूट है, कल मिल्क शेक भी आया था, तो हम जा रहे थे पहले सोडा पीने के लिए जेठालाल वाला, बोला चलो यही पीते हैं, शाम को पियेंगे, अभी पी लेता हूँ, टेस्टी है बहुत। भुज का रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, सॉरी रेलवे स्टेशन बोल रहा हूँ,
गुजका पुलिस स्टेशन दिखाता हूँ आपको मैं। गेट देखिए और पुराना कितना पुराने टाइप का बना हुआ है, और इसका गेट देखिए कितना राजा महाराजा टाइप का है, जैसे राजस्थान में मेल होता है उस टाइप का गेट है। दिखाता हूँ आपको, ये पुलिस स्टेशन है यहाँ का भुज का, और इसका गेट देखिए कितना बड़ा गेट है और बहुत पुराना गेट है। ये गुजराती में लिखा है पुलिस चौकी आई थिंक। और ये भी जूस वाले जो हमारे मिल्क शेक वाले थे उनके बराबर में ही है। ये भीड़ गेट है, भीड़ गेट के सामने ये पुलिस चौकी है, पुलिस थाना, बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन, अंदर है पुलिस स्टेशन। अभी नीचे उतर के आए हैं, 6 बजे का टाइम हो रहा है। अभी हम लोग याद आ गया एकदम से कि हार्डवेयर की शॉप देखनी है, क्योंकि हमें GI का कुछ पाइप चाहिए था, सैनिटरी का, वो अंदर क्रॉसिंग के अंदर एयरफोर्स में डलेगा। तो बोर भी हो रहे थे, सो गए थे, नींद पूरी हो गई थी हमारी, दिन में सो लिए हम, और मौसम बेहतरीन हो रहा है, देखिए मौसम बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। तो अभी चलते हैं हार्डवेयर की शॉप देखेंगे और कुछ खा भी लेंगे, खाना खाएंगे और सुबह निकलेंगे चेकआउट करके होटल से। कल एयरफोर्स वाले हमारे साथ जाएंगे गाड़ी में, हमारे साथ ही, उनकी कुछ 50 किलोमीटर दूर यहाँ से साइड है, वो साइड भी देखेंगे। वहाँ पे भी कुछ छोटा सा गांव है कच्छ के पास में, पाकिस्तान बॉर्डर के पास में, तो वहाँ जाएंगे, फिर उनको वापसी यहाँ भुज छोड़ेंगे। 45 किलोमीटर जाना और 45 किलोमीटर आना, देन उसके बाद में हम लोग जहाँ से जाएंगे दिल्ली के लिए रवानगी लेंगे। और हम लोग शाम तक, रात तक हमारा वो है प्लान कि हम लोग माउंट आबू रुकेंगे रात में जाके, 10 बजे 11 बजे जितने बजे भी पहुँचेंगे तो हम लोग डायरेक्टली माउंट आबू में जाके रुकेंगे। तो कल का ये प्लान है। तो अभी चलते हैं ज़रा हार्डवेयर की शॉप पे, ढूंढते हैं ज़रा हार्डवेयर पे अपना मटेरियल मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अभी निकले हम लोग, मौसम दिखाता हूँ आपको। काला गाड़ी वॉशिंग करने वाला भी मिल जाता है तो गाड़ी वॉश भी करवा लेंगे लगे हाथों। गाड़ी पूरी गंदी हो रही है बाहर से भी और थोड़ी बहुत अंदर से भी, तो गाड़ी भी वॉश करवा लेंगे। और जो अपन को सामान चाहिए वो भी देख लेते हैं मिल जाता है क्या यहाँ पे, नहीं तो फिर हमें दूर जाना पड़ेगा, कच्छ कल जा रहे हैं वहाँ देख लेंगे कि वहाँ पर मिल जाता है, दिल्ली से भिजवाना पड़ेगा वो मटेरियल हमें, तो देख लेते हैं ये मिल जाता है तो एक बारी ढूंढने में क्या जा रहा है, नहीं तो मैं दिल्ली से मटेरियल हमारा आना है सारा, तो दिल्ली से मटेरियल ट्रक में लोड ट्रक में आएगा ही अपना सामान सारा, तो उसमें लोड करवा देंगे, क्यों ऐसा कर लेंगे, दिल्ली में तो है ही, मिल ही जाएगा अवेलेबल है। तो 20 तारीख के आसपास हमारा मटेरियल आएगा दिल्ली से, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे देख लेते हैं, अगर विल बी बेटर यहाँ मिल जाता नहीं देन दिल्ली से भिजवाएंगे हम सामान। तो चलते मार्केट की तरफ। तो आ गए हम लोग मार्केट से घूम के, वो पाइप जो बात कर रहा था वो हमें मिल गया है यहाँ पे, दिल्ली के मुकाबले कुछ 5-6 रुपये ज़्यादा महंगा मिला है, बट दिल्ली से आने में टाइम लगेगा और उतना ही किराया उससे ज़्यादा बैठ जाएगा, तो यहीं पे हमने बोल दिया उसको, मैं दिल्ली पहुँच कर उसको कॉल कर दूँगा और कुछ एडवांस पैसा जमा करा दूँगा तो जिससे वो अवेलेबल करवा देगा मुझे साइट पे। अभी आ गए हम लोग होटल के नीचे बैठे हुए, ये होटल है अपना और नवीन लेटा हुआ है चारपाई पे, ये पार्किंग का एरिया है पूरा, ये इनकी पार्किंग है होटल वालों की, बट हम लोग गाड़ी बाहर ही लगाते हैं सामने, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है, मैं ऊपर से देख लेता हूँ इसको, रात में जगता हूँ तो ऊपर से देख लेता हूँ एक बार, हवा चल रही बड़ी मस्त, चारपाई पर लेटा हुआ था मैं। खाना खाने हम लोग कल तो यही खा लिया था हमने होटल में, खाना टेस्टी नहीं लगा मुझे, फीका फीका सा लगा था, तो आज हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे, 8-9 बजे तक जाएंगे, देखते हैं क्या मिलता है खाना खाने के लिए। और फिर कल सुबह हम लोग निकलेंगे यहाँ से कच्छ गुजरात, एयरफोर्स वाले हमारे को सुबह 8 बजे मिल जाएंगे एयरफोर्स स्टेशन के सामने, कल उनकी छुट्टी भी है, सैटरडे संडे ऑफ है, और यहाँ से 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर अप डाउन पड़ेगा हमारे को, मतलब टोटल 140 किलोमीटर, और 2 बजे तक हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे रिटर्न, वहाँ पे भी सर्वे करके, और फिर यहाँ से 2 बजे निकलेंगे हम लोग माउंट आबू, तो माउंट आबू में भी शायद 9-10 बजे तक पहुँचेंगे, रात को स्टे करेंगे, अगले दिन थोड़ा बहुत घूमेंगे माउंट आबू और फिर उसके बाद दिल्ली के लिए रवानगी। तो पूरा व्यू आपको कल दिखाऊंगा, कल मॉर्निंग में हम लोग कच्छ जाएंगे वो भी दिखाऊंगा आपको, अभी खाना खाने जाएंगे मार्केट में, बताएंगे क्या खाएंगे हम लोग। अभी हम लोग आए हैं खाना खा के, खाना खा लिया हमने बाहर आज, और खाना बड़ा टेस्टी था, मैंने मीन खाना कैसा था भाई, सही था, खाना बड़ा टेस्टी था। और एयरफोर्स में जो हमारे दोस्त बन गए, एयरफोर्स वाले जो हमारे साथ कल जाएंगे, उन्होंने फ़ोन मारा है कि भाई कहाँ हो,
आज मैं आपके होटल आता हूँ, तो मैं बोला सर आप मत आइए, हम ही आ जाते हैं आपको लेने के लिए, यहाँ पे कहीं भुज घुमाएंगे हमारे को, तो अभी आए हैं उनको लेने के लिए। एयरफोर्स का गेट है, ये गेट है एयरफोर्स का, तो यहाँ से छुट्टी हो रही है, मतलब इनकी ड्यूटी वाइज होती है छुट्टी, तो ये छुट्टी हो रही है अभी, तो निकलते हैं फिर यहाँ से लेके। अब जा रहे होटल में, होटल हमारा आ चुका है, तो